मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इतने सारे टास्क दिए थे उन्होंने, इतना मतलब कबड्डी खेला मैंने, और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कबड्डी खेलूँगी क्योंकि उसके पहले मैंने कभी खेला नहीं था। सो एंड एज ए पर्सन ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे एडवाइसेस देने के लिए, जैसे रवीना टंडन मैम, दिव्यांका त्रिपाठी जी एंड फराह खान मैम वॉज हियर। सो इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस जब आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ता है तो एज अ पर्सन आप और भी ज़्यादा ब्लूम करते हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने कब डिसाइड किया कि हम लिखा के सेम्बर में पार्टिसिपेट करेंगे? जब मुझे कॉल आया था तो उसके एक दिन बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि यू नो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड मॉम डैड से डिस्कशन किया इस चीज़ के बारे में, मॉम से बात की सबसे पहले कि यू नो मम्मा मुझे स्वयंवर करना है, तो उन्होंने कहा कि बिंदास जा तू, दिस वाज हर फर्स्ट रिएक्शन। एंड फिर डैड के पास हम दोनों गए और डैड ने कहा कि यू नो ही टुक अ 5 सेकंड पॉज एंड ही वाज लाइक इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और अगर तुमको करना है तुम्हारी मर्जी है, इट्स योर डिसीजन कम्प्लीटली ऑन यू। तो फिर हम तीनों की आपसी सहमति से मैंने कर लिया। मुझे सबसे टफ कंटेस्टेंट लगी प्रांतिका, नीत और बुशरा भी। सो प्रांतिका इसलिए क्योंकि वो यू नो उसमें एक फैक्टर है, बच्चापन है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक यूनिकनेस ये थी। नीत उसकी जो बातें होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वो रखती है। बुशरा क्योंकि शी इज़ अ फाइटर, हर चीज़ का उसके पास जवाब अवेलेबल होता है और वो हर चीज़ को यू नो फाइट करके बोल देती है। तो ये तीन मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर्स लगी थी वहाँ पर। अभी जैसे कि स्वयंवर को लेकर बहुत सारे अफवाह फैले के लिए, जो भी जाता है वो पॉपुलर होने के लिए आता है, तो फेमस होने के लिए, क्या आपको ऐसे कुछ कमेंट्स आए हैं? हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं कि यू नो ध्वनि तुम तो पॉपुलैरिटी के लिए गई हो वगैरह वगैरह, बट माय हार्ट नोज़ आई वाज देयर टू नो मिका जी, अंडरस्टैंड हिम एज अ पर्सन, उनकी मतलब हम आपस में कितने कंपैटिबल है ये जानने के लिए सबसे पहले तो मैं वहाँ गई थी। तो मैं कुछ कॉमेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ, कुछ कॉमेंट्स को इग्नोर कर देती हूँ। आप मिका सिंह को कब से पसंद करती हैं? सच कहूँ तो बहुत सालों से, आई डोंट इवन रिमेंबर द काउंट कि मैं उनको कितने सालों से पसंद करती हूँ। सबसे पहले तो उनके गाने, एक से एक, ऐसा कोई गाना नहीं है जिसमें मैंने डांस नहीं किया होगा। ऑनेस्टली क्लब्स में हो चाहे पार्टीज़ में हो चाहे शादी में हो, सब जगह उनके गाने बजते, तो एक वो कनेक्शन तो उनके साथ सालों से रहा है। एंड उसके अलावा मुझे एज अ ह्यूमन वो बहुत पसंद है। जैसे उनके बारे में कई बार मैंने पढ़ा है कि वो डिवाइन टच के थ्रू इतने सारे वुमेंस की हेल्प करते हैं, बच्चों का, उनकी स्टडीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे इमोशनली थोड़ा बहुत कनेक्टेड थी बिफोर द स्वयंवर, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनको जानकर मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे उनकी बाहर में जो है ना कि फ्लैम्बॉयंट है, मस्ती, यू नो स्वैगर है, डूड है टाइप्स, वो तो है ही, वो नो डाउट, बट उसके अलावा बहुत ही इमोशनल, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके के इंसान है वो। सो आई रियली रियली इवन नाउ आई कैन से आई लव हिम। अब मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे कभी कभी लगती है कि आकांक्षा है, कभी लगती है प्रांतिका है, और थोड़ी थोड़ी नीत भी लगती है कहीं ना कहीं, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है शायद वो प्रांतिका को चूज़ कर सकते हैं या आकांक्षा को चूज़ कर सकते हैं। आपके हिसाब से जितना टाइम आपने मिका सिंह के साथ स्पेंड किया है, मिका सिंह को कैसे लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक मिका जी को बहुत ही मच्योर और अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इतना बड़ा जो एम्पायर इतने सालों में बिल्ट किया है, उसे संभालने के लिए उन्हें ऐसी ही लड़की लगेगी जो जो समझ सके उनका वर्क लाइफ और उनका पर्सनल लाइफ। सो ही इज़ ऑलवेज, जैसे वो देखो ही इज़ अ सुपर स्टार, ही इज़ अ रॉक स्टार, तो आसपास में हमेशा फीमेल अटेंशन तो होना ही है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो एक लड़की उस समय अगर अंडरस्टैंडिंग होगी कि यू नो दिस इज़ नॉर्मल, उस चीज़ को अगर वो गलत ना लेके जाए, तो उन्हें आई थिंक ऐसी ही पार्टनर की तलाश है और वो ऐसे ही पार्टनर ढूंढना चाहेंगे। मिका सिंह
मेका के स्वयंवर के आने के बाद आपके लाइफ में क्या कुछ चेंज आया है? जैसे कि मैंने अपने बारे में बहुत सारे साइड्स वहाँ पर डिस्कवर किए एंड मुझे काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है. मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे. लोग मेरे टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग अब अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी यू नो जितने भी मेरे अंदर टैलेंट्स हैं. सो आई एम लविंग ऑल ऑफ दैट. रियल लाइफ और नेशनल लाइफ में तो एक डिफरेंस तो यही है कि आई थिंक नेशनल वाला सबके सामने होने वाला है. यू नो सारे आपको जैसे कि अगर पर्सनली अगर दो फैमिलीज़ में अगर डिसाइड हुआ है कि यू नो शादी होने वाली है इन दोनों की, तो वो काफ़ी आपस में रहता है. मेरा नेचर जैसे कि एक लड़की का नेचर लड़के की फैमिली वाले के नेचर को पता रहेगा, लेकिन यहाँ पे नेशनल टीवी पे ऐसा है कि मेरा नेचर पूरी दुनिया को पता है कि ध्वनि कैसी है, क्या ये मेका जी के लिए करेक्ट है नहीं है. तो बहुत से बार ऐसा हो सकता है कि मेका जी जो डिसीजन ले और ऑडियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच भी ना हो. सो इट्स अ पर्सनल चॉइस, येट इट इज़ वेरी पब्लिक. मुझे रियल लाइफ में बहुत ही एक्सप्रेसिव, ट्रांसपेरेंट इस टाइप के मुझे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं. क्योंकि व्हेन अ बॉय एक्सप्रेसेस लाइक उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो या यू नो एक्सप्रेसिव जो भी लड़के होता है ना, मुझे एक अलग ही कनेक्शन उनके साथ फील होता है. क्योंकि बहुत कम होता है कि लड़के अपने आप को इमोट कर पाए, तो व्हेन दे इमोट आई रियली appreciate that quality. आपके अंदर इतने सारे टैलेंट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टैलेंट अपने फैंस को? मैं आपको अनन्या पांडे की स्टाइल में आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगी. ओ माई गॉड, आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, आई एम जस्ट लविंग इट. ओ माई गॉड, यू नो वट, आई कैन टच माई टंग टू माई नोज एंड दैट्स माई टैलेंट. थैंक यू सो मच एवरी वन, आई लव यू ऑल. एंड बिफोर आई गो आई ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग फॉर यू ऑल. And nahi ye baatein hai purani. Oh, kaisi paheli hai ye, kaisi paheli zindagani. La 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 la. तो ये बातें भले ही नहीं हो, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ लॉन्ग रन में बहुत ही गहरा रिश्ता डेवलप करना है और आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करना है और खुश रखना है.